हेलो दोस्तों, आपका आईटी नॉलेज फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि एसक्यूएल के थ्रू किसी वेबसाइट को कैसे हैक किया जा सकता है या उसका यूजर नेम और पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको गूगल पे, अगर आपको कोई वेबसाइट को करना है तो उसके लिए आपको पहले सर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं किसी वेबसाइट में क्या एरर है, तो आप गूगल पे ये डालिए। ऐसे मैं तो ऐसा एक कानून है कि हम लोग अगर पाकिस्तानी या कोई वेबसाइट हैक करते हैं तो उसका कानून हमारे पे लागू नहीं होता। तो मैं डेमोंस्ट्रेशन एक पाकिस्तानी वेबसाइट पे दिखाऊंगा आपको, इसीलिए मैंने ये अभी गूगल पे सर्च किया। जैसे मैं यहाँ इंटर डालूँगा तो इस पर ये एरर जितने भी रहेंगे आईडी इक्वल टू ये, उसी को हम लोग एसक्यूएल हैक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, जैसे ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर पाकिस्तान। अगर आप इस पर एक कोमा दे देते हैं, ये देखिए जो है IDB UPK डिपार्टमेंट PHP क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू 11। अगर आप इस पर एक कोमा दे देते हैं तो एक SQL का एरर आएगा, तो समझ लीजिए कि ये वेबसाइट हैक हो सकता है। अगर नहीं आया तो समझिए वेबसाइट हैक नहीं हुआ। देखिए, पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैकर होते हैं। उसने अपने एक सरकारी पुलिस स्टेशन के वेबसाइट को हैक कर लिया। देखिए, हैक बाय CWE, इसने क्या क्या लिख रखा है, हैक बाय हैकर, ये। सोचिए ये पाकिस्तानी लोग कितने एक्सपर्ट होते हैं। तो चलिए एक पाकिस्तानी वेबसाइट हैक किया जाए। तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, ये भी जैसे देखिए ये एक वा सिटी है, इससे भी कीजिए। जैसे ये SQL का एरर आएगा तो समझिए ये वेबसाइट हैक हो सकता है। लेकिन आज हम इसे नहीं करेंगे, कोई दूसरा वेबसाइट करते हैं। उसके लिए मैंने एक खोज रखा है आपके लिए, ये देखिए, ये है क्रिस्टल मॉडल टाउन, इसे करते हैं। चलिए अब हम इस पे एक डॉट देते हैं जो एंटर के बगल में होती है। तो देखिए एक एरर आता है, यू हैव एन एरर इन SQL सिंटैक्स। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस एरर को हटा के यहाँ पर देखते हैं कितने इस वेबसाइट पे इसने पेज बना के रखा है। तो पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर बाय, ORDER, ऑर्डर बाय 1 हो रहा है कि नहीं क्वेरी। तो ये देखिए ये हो रहा है। नेक्स्ट क्वेरी चलाते हैं, देखते हैं कितना पेज हो सकता है। चलिए हम 20 ट्राई करते हैं, तो 20 पेज यहाँ पे नहीं है। फिर हम लोग ट्राई करते हैं 5 पेज तो है। फिर हम लोग ट्राई करते हैं 6, देखते हैं 6 पेज नहीं, मतलब 5 पेज तक है। तब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं यूनियन, UNION, यूनियन सेलेक्ट। और ये क्वेरी चला देते हैं, तो ये आता है। ये जब आप ये क्वेरी चलाएं और नहीं आए, तो यहाँ पर जो पहले वाला नंबर रहता है वहाँ पे आप हाइफन लगा दीजिए, फिर इंटर मार दीजिए। तो यहाँ पर बता रहा है इसका एरर है कौन सा पेज में, 2 और 5 में। चलिए हम लोग 5 में जाकर देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इसका डेटाबेस है कुछ, देखिए इसके डेटाबेस में ये है।
अगर हम इसे चेक करना चाहते हैं कौन सा वर्जन है इसका, वो भी पता कर रहे हैं। ये अब हम जो SQL क्वेरी बता रहे हैं 4.5 के अपर से ये क्वेरी चलता है, ठीक है। चलिए अब हम इसके यूजर, इसके टेबल पता करते हैं। ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्केट, यहाँ पर लिखते हैं टेबल अंडरस्कोर नेम, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इन्फॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेबल्स। वेयर टेबल, ये कैप्स में नहीं होगा, वेयर टेबल अंडरस्कोर स्कीमा इक्वल टू डेटा बेस AAC, फिर इक्वल टू, सॉरी फिर ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर इंटर। तो ये देखिए इसके टेबल में ये है, आप समझिए आपको पता करना चाहिए इसमें से एडमिन कौन सा पेज होगा। तो हम लोग करते हैं, चलिए एडमिन यूज़र इसका होगा, यानी इस पेज को पूरा जितने भी चैनल पूरा कॉपी कर लेता हूँ और एक नोटपैड में इसे रख लेता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पता करते हैं कि एडमिन यूजर कौन सा है, ये वाला है, ये एडमिन यूजर, ठीक है। अब इसका कॉलम पता करेंगे हम, यहाँ पर सब रहेगा, यहाँ टेबल का जगह कॉलम लिखेंगे खाली, यहाँ पर फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा और टेबल्स है, यहाँ पर हम लोग कॉलम करेंगे और ये यहाँ पे जो है अंडरस्कोर वेयर टेबल इक्वल टू टेबल अंडरस्कोर स्कीमा, यहाँ टेबल अंडरस्कोर नेम देंगे हम और यहाँ पे इसे मिटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम एडमिन यूजर। अगर ऐसा एरर आता है तो हमें उसे गूगल पे जाके स्ट्रिंग पेज को हेक्स में कन्वर्ट करना है। लिखते हैं यहाँ पर, चलिए एडमिन यूजर और इसे कन्वर्ट करते हैं हेक्स, स्ट्रिंग से हेक्स पे। तो इसे फिर हम लोग कॉपी करते हैं और इसे मिटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0x, फिर वो पेस्ट कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। तो ये आ गया, देखिए यूज़र आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपको अब इसमें जो पता करना है, यूज़र नेम पासवर्ड, चलिए मैं इसे फिर से यहाँ कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। मुझे पता करना है इसका यूज़र नेम और पासवर्ड, अगर ईमेल भी पता करना, जो पता करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए, पूरा इसे मिटाइए बॉक्स के अंदर जो है। यूजर नेम कोमा 0x3a कोमा पासवर्ड, और ये है फ्रॉम, यहाँ से सारा मिटा दीजिए। फिर यहाँ पर लिख दीजिए एडमिन यूजर, ये आ गया इसका यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर यहाँ पर यूज़र नेम की जगह हम यूज़र आईडी दे देते हैं, यूज़र आईडी, ये देखिए क्या आता है, ये है इसकी यूज़र आईडी। अगर यूज़र आईडी की जगह हम ईमेल दे देते हैं, ईमेल क्या था यहाँ पे इसका, ईमेल, चलिए देखिए इसका ये ईमेल एड्रेस है, इससे आप कुछ भी पता कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बस इतने बता सकता हूँ, अब मैं आपको ये पेज लॉगिन करके नहीं बता सकता।